तो हंगामे के बाद बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ था और उससे भी पहले आज ओलंपिक के पदक वीरों को बधाई दी गई थी। बता दें कि इस बार ओलंपिक्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। इनमें एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भी शामिल है जो 121 साल बाद मिला है। तो पहले बधाई दी गई पदक वीरों को, लेकिन उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हुआ और 11:30 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। पंद्रह विपक्षी दल संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और इस बीच राज्य ओबीसी लिस्ट में नाम जोड़ सकेंगे। सारे ऐसे मुद्दे जो कि आज सदन में छा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 265 किलोवर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।